प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिंदुओं के चार धामों में से एक है पुरी। यहाँ का विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मपीठों में से एक है, और उड़ीसा के हिंदू समुदाय के लिए तो जैसे प्रभु जगन्नाथ उनके कण कण में बसे हों। आमतौर पर देखा गया है कि केवल उड़ीसा ही नहीं, पूरे भारत के जनजातियों की धार्मिक मान्यताएं और उनके देवी देवता हिंदुओं से संपूर्ण भिन्न हैं। लेकिन सभी धर्मों और विचारों का संगम स्थल के रूप में जाने जाने वाले इस प्रदेश में ऐसी भी एक जनजाति है जिसके लिए जगन्नाथ ही भगवान है। मुख्य रूप से उत्तरी उड़ीसा में बसने वाली इस जनजाति के लोग साउंटी के नाम से जाने जाते हैं। राज्य की दूसरी जनजातियों की तरह साउंटी भी जंगलों और पहाड़ों के बीच रहना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि साउंटियों की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई, जबकि दूसरी लगभग सभी जनजातियां हजारों साल पुरानी हैं। किंवदंती के अनुसार मयूरभंज रियासत के तत्कालीन राजा एक पुत्र संतान की मनोकामना लेकर श्री जगन्नाथ की शरण में गए और पुरी के गजपति महाराज के अतिथि बने। पुरी में प्रवास के दौरान उनके अपने विश्वस्त सेनापति जय गोविंद दास ने उनकी बेहद सेवा की। इसके बदले में राजा ने जय गोविंद दास को एक जागीर देने की पेशकश की तो उन्होंने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। जय गोविंद दास तत्काल कुछ लोगों को समेट कर अपनी नई जागीर में जा बसे। चूंकि समेटने को उड़िया में साउंटी कहा जाता है, इसलिए उनके साथ बसने वाले लोगों को साउंटी कहा जाने लगा। जयगोविंद जो खंडायत जाति से थे, जिस गांव में जाकर बसे उसका नाम है मणता, जो उड़ीसा के केंदुझर जिले में आता है। यहीं से साउंटी समुदाय की शुरुआत हुई। जयगोविंद दास के वंशज आज भी मणता गांव में बसते हैं। उन्हीं के एक वंशज लक्ष्मीधर दास का कहना है, वैसे तो साउंटी उड़ीसा के कई जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन साउंटियों की कुल जनसंख्या के लगभग 90% आबादी उत्तरी उड़ीसा के केंदुझर और मयूरभंज जिले के निवासी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से साउंटी प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। सन 1991 की जनगणना में उनकी कुल जनसंख्या केवल 96,351 थी, जिनमें 46,510 पुरुष थे और 49,841 महिलाएं। घर बनाने के लिए स्थान निश्चित करने को साउंटी काफी महत्व देते हैं। पहले एक जगह चुनकर उसके बीचों बीच एक आयत क्षेत्र बनाया जाता है, फिर उसके एक कोने में एक गड्ढा खोद दिया जाता है। उसके बीचों बीच सिंदूर का प्रलेप लगाकर उस पर कुछ चावल और फूल रख दिया जाता है और लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है। अगर अगली सुबह चावल सही सलामत पाया जाता है तो उस स्थान को घर बनाने के लिए उपयुक्त मान लिया जाता है। आमतौर पर साउंटियों के घर मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन आजकल घर बनाने में वे ईंट का भी काफी इस्तेमाल करने लगे हैं। घरों के छत या तो घास फूस के होते हैं या खपरेल। घर के सामने की ओर चौड़ा बरामदा होता है और पालतू पशुओं का तबेला।
साउंटियों के घर साफ सुथरे होते हैं। घर के दीवारों और बरामदों को एक विशेष पत्थर से घिसकर उनमें चिकनाई लाई जाती है। घर के अंदर धान रखने के लिए पुआल की बनी टोकरियां होती हैं, जिन्हें कलेई कहा जाता है। साउंटियों के सामाजिक रीति रिवाज काफी हद तक आम गैर आदिवासी उड़िया रीति नीतियों से मिलते जुलते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी विशेष अवसरों से जुड़ी परंपराओं में यह समानता देखने को मिलती है। ब्राह्मण और खंडायत जाति के लोगों की तरह साउंटी बच्चों का भी 10 से 12 वर्ष की आयु में व्रतोपनायन होता है। बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है और बच्चा बड़ों से आशीर्वाद लेता है। साउंटियों में पंचायत की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी साउंटी गांव में सभी महत्वपूर्ण फैसले पंचायत में ही लिए जाते हैं। साउंटी विवाह और आम उड़िया विवाह में विशेष फर्क नहीं होता। इस अवसर पर साउंटी अपने घरों को खूब सजाते हैं। उड़िया शादी की तरह साउंटियों के विवाह में भी वर अपने सगे संबंधियों की टोली लेकर बाजे गाजे के साथ कन्या के यहां पहुंचता है। वहां कन्या के घर की महिलाएं वर का स्वागत करती हैं। इस रस्म को बाटवरण कहा जाता है। साउंटी विवाह का एक विशेष पहलू यह है कि इससे जुड़ी सारी रीति नीतियां हिंदू ब्राह्मण के हाथों संपन्न होती हैं। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ ब्राह्मण वर वधु के हाथों को एक साथ बांध देता है। विवाह संपन्न हो जाने पर वर वधु एक पालकी पर बैठते हैं, जिसे डोम समुदाय के लोग ढोकर वर के घर तक ले जाते हैं।
सभी गांव वालों को भोज दिया जाता है। सांवटी आम तौर पर खेती करते हैं, लेकिन चूंकि इस इलाके में खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होती, इसलिए उन्हें रोजगार के दूसरे उपायों पर भी निर्भर करना पड़ता है। भूमिहीन सांवटी दूसरों के खेतों में काम करते हैं। खाली समय में वे रस्सी और चटाई आदि भी बुनते हैं। वे जंगल से लकड़ी, इमली तथा अन्य लघु वनजात द्रव्य चुनकर उनसे कुछ रोजगार कर लेते हैं। सांवटी औरतें भी घर चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वे जंगल से साल के पत्ते तोड़कर लाती हैं और उन्हें सीकर थाली बनाती हैं। धान को उबालने, सुखाने और फिर उससे चावल निकालने का काम भी औरतों के जिम्मे होता है। सांवटियों की धार्मिक प्रथाओं में जगन्नाथ संस्कृति और वैष्णव परंपरा दोनों की छाप देखने को मिलती है। सभी सांवटी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ग्राम देवती होती है। सांवटी मानते हैं कि ग्राम देवती उन्हें हर तरह की आपदा से बचाती हैं। हर शुभ अवसर पर गांव का पुजारी, जिसे देहुरी कहा जाता है, ग्राम देवती की पूजा करता है। ग्राम देवती के अलावा हर सांवटी गांव में एक पूजा घर होता है, जिसे भागवत टुंगी कहा जाता है। यहां जगन्नाथ की आराधना की जाती है और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया जाता है। सांवटी साल भर में कई पर्व और त्योहार मनाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रज संक्रांति। रज का पर्व खासकर लड़कियां बड़े ही उत्साह से मनाती हैं। उस दिन लड़कियां नए कपड़े पहनती हैं, पांवों में आलता लगाती हैं और जमकर झूला झूलती हैं।
इस मौके का एक विशेष आकर्षण होता है गांव की कुमारी लड़कियों और विवाहित औरतों के बीच नृत्य की प्रतियोगिता। साउंटियों के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा और प्रथमाष्टमी। साउंटियों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्हें रोजगार देने के लिए काम के बदले खाद्य योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का काम हाथ में लिया गया है। साथ ही विशुद्ध पीने के पानी के लिए नल लगाए गए हैं और शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए हैं। साउंटियों के आर्थिक विकास के लिए बैंकों के जरिए उन्हें गैर पारंपरिक काम के लिए ऋण दिया गया है। सरकारी सहायता से किसी ने टाइलों का कारखाना लगा लिया है तो किसी ने टेराकोटा का काम अपना लिया है। मृत्यु से जुड़ी साउंटी रीति रिवाजों में भी आम उड़िया संस्कृति का प्रतिफलन साफ झलकता है। दूसरे जनजाति अपने मृतकों को दफना देते हैं, लेकिन साउंटी उन्हें हिंदुओं की तरह जला देते हैं। मृतक के शरीर को एक अर्थी पर डाल दिया जाता है, जिसे उसके बेटे और दूसरे पुरुष रिश्तेदार कंधा देकर शमशान तक ले जाते हैं। साउंटियों की धार्मिक मान्यताएं दूसरी जनजातियों से अधिक हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। कीर्तन की परंपरा साउंटियों पर सनातन हिंदू धर्म और वैष्णव परंपराओं के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। कीर्तन में खोकर साउंटी अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु जगन्नाथ को समर्पित कर देते हैं।